इस तरह के प्लेकेट नेक की कटिंग और स्टिचिंग के लिए हम इस तरह का पेस्टिंग पेपर लेंगे। एक पेस्टिंग पेपर हम स्क्वायर में लेंगे और एक लंबा 3 इंच चौड़ा, और फिर इसको फोल्ड करेंगे और 3 इंच विड्थ रखते हुए एक मार्क करेंगे और 4.5 इंच डीप एक मार्क करेंगे। अब इसको राउंड शेप करेंगे। इसकी कटिंग करेंगे और फिर अब इसके बाद प्लेकेट की कटिंग करेंगे। इस प्लेकेट वाले पेस्टिंग पेपर को भी फोल्ड करेंगे और सेंटर से क्रीच बना लेंगे। एक बार इसकी मेजरमेंट करेंगे और 12 इंच लंबी प्लेकेट बनाएंगे, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पेपर को कट करके निकालेंगे। इसकी लेंथ 12 इंच है। अब ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अगर आपको और लंबा पैटर्न चाहिए तो आप 3 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम यहाँ पे भी विड्थ में एक मार्क करेंगे और इस तरह से स्केल से क्रॉस मार्किंग बनाएंगे। अब यहाँ से 1/4 इंच पे मार्क करते जाएंगे। ऊपर से भी लाइन के पास से 1/4 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस कॉर्नर वाले सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अभी सभी मार्क को मिला के प्लेकेट का शेप बनाएंगे और इस निशानों पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पैटर्न की कटिंग कर लेंगे। राउंड शेप वाले पेस्टिंग पेपर को अपनी कमीज़ के सेंटर पे इस तरह से लगाएंगे ऊपर और इसके साइड साइड से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग करेंगे। सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे। अब इसको रॉन्ग साइड ओपन करेंगे और फिर सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको हम बीच से डिवाइड करेंगे। अब इस पेस्टिंग पेपर को कपड़े पे पेस्ट करेंगे। इस पेस्टिंग पेपर को हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया। आप देख सकते हैं साइड साइड से हमने इसको आयरन करके अच्छी तरह सेट कर लिया है और कर्व वाली जगह पे हमने छोटे छोटे कट लगा के इसको आयरन से सेट किया हुआ है। अब इसकी पहले हम स्टिचिंग करेंगे साइड से, इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। प्लेकेट को पहले कमीज़ की रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे, तो प्लेकेट के सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे। अब इसको कमीज़ के सेंटर पे अटैच करेंगे। कट को कट पे मिलाएंगे और ये वाला जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर को सेंटर पे हमें मिलाना है और यहाँ से अच्छी तरह से फिनिशिंग से इसकी स्टिचिंग कर लेना है। इसको बहुत ही फिनिशिंग से हम कट करेंगे और सेंटर पे एक कट लगाएंगे। अब इसको राइट साइड टर्न करेंगे और कमीज़ वाली साइड टॉप स्टिच करके इसको अच्छी फिनिशिंग देंगे। आयरन करके इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे। अब इसमें लेस अटैच करेंगे। यहाँ पे भी सेंटर को मिलाएंगे और एक मार्क लगाएंगे और टाचने से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब इस तरह की लेस हमारे पास है, तो अब इस लेस को हम लोग इसमें अटैच करेंगे।
लेस को इस तरह से अटैच करेंगे कि इसका पैटर्न जो है वो कट ना सके, तो बस स्टिचिंग का मार्जिन रख के ही हम इसमें अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं लेस के किनारे वाली साइड बहुत पतली सी है, बहुत थोड़ी सी है, तो हमें इसको बहुत ही फिनिशिंग से अटैच करना है। तो बिल्कुल किनारे किनारे ही इसको इसके नीचे अटैच करेंगे, यहाँ से टर्न कर लेंगे और फिर इस कॉर्नर से भी टर्न करके लेस को पूरी लेकेट में अटैच कर लेंगे। इस तरह के नेक डिज़ाइन बना के आप अपने सिंपल सलवार कमीज़ को भी कुर्ती का लुक दे सकते हैं रेडीमेड स्टाइल में। तो मेरे पास ये कपड़ा था तो मैंने सोचा इसमें कुछ डिज़ाइन बना लूँ, तो इस तरह से मैंने डिज़ाइन बनाई है। तो बनने के बाद बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल जैसी ये कुर्ती लगती है और बहुत ही प्यारी लग रही है। आप लोग भी इस तरह के नेक डिज़ाइन बना के अपने सिंपल से सूट को गेटअप दे सकते हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को कट करेंगे, दोनों साइड से कट करेंगे। अब आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी ये प्लेकेट बनके रेडी हो गई है, कितनी प्यारी सी लग रही है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल जैसी। अब इसमें से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके अलग करेंगे और इसको अपने नेक पे अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें अटैच करना है, ऊपर से हम बिल्कुल बराबर मिलाएंगे और स्टिचिंग वाला मार्जिन जो हमने छोड़ा है वहीं से किनारे किनारे से स्टिच करेंगे। हमें ये वाली स्टिचिंग जो है पेपर के ऊपर नहीं करना है, तो यहाँ पर आकर इस तरह से पूरा स्टिच कर लेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे और हमें बिल्कुल बराबर में इसको स्टिच करना है। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा तो इसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक मार्क करेंगे और इसी मार्क पर से दूसरी वाली पट्टी जो है उसको स्टिच करेंगे। पट्टी को यहाँ पे इस तरह से रखेंगे जो हमारी स्टिचिंग वाली साइड है वो बिल्कुल मार्क के ऊपर जाए। तो यहाँ से फिर से स्टिच करेंगे। अब कर्व शेप में छोटे छोटे कट लगाएंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा को कट करेंगे। इसको फोल्ड करके अच्छी तरह से आयरन से सेट करेंगे और फिर इस नेक की बाद में हम लोग तुरपाई करेंगे, तुरपाई से ही इसको सेट करेंगे और प्लेकेट पे छोटे छोटे स्टोन बटन भी अटैच करेंगे। आप भी अपने अकॉर्डिंग इस पर कुछ भी अटैच कर सकते हैं, शो बटन या स्टोन बटन कुछ भी। तो हम इस पर छोटे छोटे स्टोन बटन अटैच करेंगे। अब हमने इसको आयरन भी कर लिया, आप देख सकते हैं अब कितना प्यारा सा गेटअप आ रहा है इस नेक डिज़ाइन का। ये नेक डिज़ाइन आप देख सकते हैं कभी इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे बहुत ही वायरल है और बहुत ज़्यादा इस तरह के नेक की डिज़ाइन बनती रहती है। तो हमने सोचा हम भी अपनी कुर्ती में ये डिज़ाइन बनाएं और हमने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप इसकी कटिंग और स्टिचिंग दिखाया है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और एक आध बंदे को तो हमारी वीडियो ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।